हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एमजीएच में बापू की प्रतिमा के पास हुआ प्रसव। महात्मा गांधी अस्पताल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास एक प्रसूता का प्रसव हो गया। बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र से आई इस महिला से प्रसव पीड़ा सहन नहीं हुई और उसका बापू की प्रतिमा के पास ही प्रसव हो गया। इसके बाद जच्चा बच्चा दोनों की जांच की गई जो स्वस्थ है। बाद में उन्हें उम्मेद अस्पताल रेफर कर दिया गया। नर्सिंग अधीक्षक उषा किरण बोड़ा ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे धुंधरा निवास खम्मा को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन महात्मा गांधी अस्पताल लेकर आए थे। उन्हें यह पता नहीं था कि प्रसव के लिए उम्मेद अस्पताल जाना है। प्रसूता खम्मा जब महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास खड़ी थी तब उसे प्रसव पीड़ा हुई और उन्हें वही बच्चे को जन्म दे दिया। सूचना मिलने पर चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ वहां पहुंचे और महिला और उसके नवजात शिशु को इमरजेंसी लेकर गए। वहां दोनों की जांच की गई जो स्वस्थ पाए गए। चिकित्सा जांच के बाद दोनों को उम्मेद अस्पताल रेफर कर दिया गया। आज सुबह 10:30 बजे फोन आया कि भाई वहां गांधी जी मूर्ति के पास कोई लेबर पेन ले रही है, तो मैं दौड़ी दौड़ी गई। मैं गई जब तक डिलीवरी तो हो चुकी थी, उसको फटाफट हमने ट्रॉली पे शिफ्ट किया और इमरजेंसी में ले गए। इमरजेंसी में ले जाके फिर उसको ड्रिप वगैरह लगाई और बच्चे को मदर से सेपरेट किया और क्लैंप वगैरह करके और वहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर को दिखा के फिर हमने उसको उम्मेद में रेफर कर दिया। मैडम ये कहाँ के रहने वाले थे, किस कारण यहाँ आ गए? वो धुंधड़ा के रहने वाले थे और वो यहाँ दिखाने के लिए आ रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से पेन ज़्यादा होने के कारण वो हॉस्पिटल देखकर यहाँ घुस गए, यहाँ ही दिखा देंगे ऐसा सोचकर। लेकिन आते ही उनको लेबर पेन ज़्यादा थे और वो डिलीवरी गांधी जी की मूर्ति के पास ही हो गई। क्या नाम? नाम है खम्मा लड़की। इस हॉस्पिटल में ये कितने समय बाद में ये? ऐसे तो वार्ड में कोई पेशेंट ऐसे आते हैं, उनकी कभी कभी हो जाती है डिलीवरी, और यहाँ पर तो पहले 60 साल पहले होती थी डिलीवरियाँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उषा किरण बोड़ा, मैं मैटर्न पोस्ट पे हूँ गांधी हॉस्पिटल। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।